हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। आज डे है गुरुवार और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। और गुड्डू जो है अभी अभी स्कूल से आई है। आप देख सकते हैं इसने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया है, थोड़ी सी देर रेस्ट कर रही है क्योंकि ये स्कूल से पैदल आती है। सुबह तो जो है देवजी छोड़ आते हैं इसको स्कूल पर, आती है पैदल ही है। दे दे कपड़े तो बस भी कैसा है, एक बार भी खेल देगी। तो अब मैं आ रही हूँ सिर्फ आधे घंटे में नहा गई। बाय। आधे घंटे और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि ये जो वॉश बेसिन हमने बनवाया है इस पर अभी कुछ थोड़ा सा काम होना बाकी है, तो वही जो ये मिस्त्री जी हैं वो नाप ले रहे हैं। और ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो मिस्त्री जी है ना, इनकी एज है अभी 60 या 65 साल के, ये 65 साल के हो रखे हैं। और मतलब इतना इस उम्र में भी और इतना काम करना और इतना मतलब अच्छा काम करना और इतनी मेहनत करना, मतलब वाकई में यार, मतलब ये चीज़ देख के मुझे बड़ा मतलब वो चीज़ होती है कि कई बार मैं ऐसे सोचती हूँ कि हम जो है, मैं ऐसे थोड़ा सा कुछ काम कर लेती हूँ, मैं ऐसे सोचती हूँ यार मैं थक गई, पर ये मतलब इस उम्र में भी इतना काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को देखकर हमें लगता है कि यार सच में मतलब ये होता है अपने काम को लेकर, मतलब बड़ी शिद्दत से ये अपना काम करते हैं और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे घर में जो भी फर्नीचर बना है ना, सारा काम इन्होंने ही किया और बहुत अच्छा, इतनी सफाई से काम किया है। तो बस वही मैं आप लोगों के साथ, देखिए कुछ अच्छी चीज़ें होती है ना तो वो मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है जी। तो बस इसलिए मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किए कि मतलब एज कुछ मायने नहीं रखती है। अगर काम इंसान ईमानदारी से और अगर अपना काम करना चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकता है। तो बस इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल, जो मेरी बेटियों के बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ जो है मैंने राजमा धो लिए हैं, रात को मैंने भिगो कर रख दिए थे और धो लिए हैं राजमा। और बस अब कुकर में चढ़ा दूँगी और बस 2-3 सीटियाँ लगानी है। और मैं कोई ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तरीके से राजमा नहीं बनाऊँगी, नॉर्मली जैसे मैं बनाती हूँ वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत अच्छे मतलब राजमा, पंजाबी स्टाइल राजमा बनाने आते हैं। हाँ, राजस्थानी जो चीज़ें हैं, डिशेज़ हैं, वो मैं अच्छी बना लेती हूँ। पर मतलब राजमा कुछ मेरे घर में जो है, राजमा खाते भी थोड़ा सा अलग टाइप के राजमा खाते हैं, जो मैं आगे आपको साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं जिस तरह से बनाना चाहती हूँ मैं चाहकर भी वैसे नहीं बना पाती हूँ, ठीक है जी। तो राजमा मैंने चढ़ा दिए हैं और अब मैं जो है एक तरफ चढ़ा दूँगी चावल। तो आज का जो लंच है वो है राजमा चावल, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने जो है एक डलिया में पानी चढ़ा दिया है, मैं इसी में चावल बनाती हूँ क्योंकि मुझे इसी में आसानी लगती है बनाना। बड़े बर्तन में बनाती हूँ तो उसको उठाने में और फिर जो पानी मतलब निकालने में चावल का थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होती है, तो मैं डलिया में ही बनाती हूँ। तो बस पानी मैंने गरम रख दिया है और अब मैं छील रही हूँ लहसुन, क्योंकि राजमा में डलना है लहसुन। वैसे तो जो है राजमा के साथ ज़ीरा राइस भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर मेरे बच्चे जो है यही वाले चावल खाना पसंद करते हैं, तो मैंने ऐसे ही बनाए हैं ये खुले वाले। और बस ये सबसे पहले जो है प्लेट में थोड़े से मैं जो है लड्डू गोपाल जी के लिए निकाल दूंगी। और घी डाल दिया है, चावल गर्म है तो घी मैंने पिघलाया नहीं है, पिघल जाएगा अपने आप ही क्योंकि बिल्कुल गर्म है चावल अभी। और बस चीनी डाल दूंगी तो ये लड्डू गोपाल जी के भोग लगा देंगे, क्योंकि राजमा में तो मैं लहसुन डालने वाली हूँ तो उसका भोग तो लगेगा नहीं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ राजमा। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाल दिया है मैंने तेल, तो और ये राजमा जो है बिल्कुल पक गए हैं, तो इनको भी मैं चेक कर लूँगी। थोड़ा सा जो है मैं इनको ऐसे
तोड़ लूँगी ताकि जब बनाएंगे राजमा तो अच्छे से घुल जाएंगे। और अदरक डाली है, ये 3-4 टमाटर लिए हैं और 2-3 प्याज हैं और लहसुन। तो बस इसी का ये जो मसाला है वो मैं बनाने वाली हूँ। और अगर मैं अपने तरीके से बनाती ना तो मैं जो ये टमाटर है इसको मैं पीसती नहीं, इसको मैं जो है बारीक बारीक चॉप करके डालती। पर गुड्डू नहीं खाती है, वो इसी तरह से पीसे हुए जो टमाटर होते हैं ना पतिदेव भी नहीं खाते हैं, तो मैं फिर इसी तरह से बनाती हूँ। गरम है तवा लग जाएगा, गरम लग जाएगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि राजमा चावल बन गए। अरे गरम है, दूर रहो। और यहाँ जो है बारिश शुरू हो गई है। हमारे यहाँ पे मौसम आजकल यही चल रहा है, एक दिन बारिश, एक दिन धूप, एक दिन फिर बारिश, ऐसा वाला मौसम हो रखा है। तो आज जो है बारिश वाला मौसम है और बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है खिड़की में से, बूंदे भी आ रही थी बारिश की मेरे किचन की खिड़की में से। तो बस बच्चे उसी का मज़ा ले रहे थे। और अब मैंने यहाँ पर जो है राजमा छोंक दिए हैं, नहीं राजमा क्या छोंक दिए, मतलब मसाला छोंक दिया है। तो वो मसाले में जो है सबसे पहले मैंने बड़ी बड़ी हरी मिर्च काट के डाली है, और जो टमाटर प्याज लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और बाकी जो भी मसाले होते हैं वो सारे डाल दिए, नमक मिर्ची हल्दी धनिया सब। और बस पका लूँगी 15-20 मिनट। यार मुझे आज बनाना चाहिए। अब रोज नहीं आने दूंगी मैं, जान पर मत लगा ज़्यादा। यार फिर ये तो रोज आती है बारिश, तो जुकाम लग जाएगी अभी। कुडू इधर वो पैदन से किस खातर, पैर गिली नहीं है, गिले हो ही नहीं रहे तो यार उसके गिले होंगे तो अंदर लेके जाएगी गिले पैर। डबल करण दे मम्मी, यहाँ तक तो जा सकते हैं, यहाँ तक मैंने अभी देखा था, पानी नहीं आ रहा। देखो गिली हो रही हूँ मैं, हो रही हूँ नहीं ना, ज्यादा पानी नहीं आ रहा। नहीं इसको तो नहीं लाना, तो जुकाम लग जाएगी, मुंह मत बना। इतनी जोरदार बारिश चिढ़ा रही है, उसको लगा रही है क्या है, तिली लगा रही है ना। बेटा अपने देख ले, अच्छी अच्छी बोलते हैं बेटा, रोज नहीं नहाते। अब मौसम है ना ऐसे गंदा वाला हो रखा ना, इसे जुकाम लग जाती है। और आप देख सकते हो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, चारों तरफ काले बादल हो रखे हैं, बारिश भी अच्छी खासी हुई है आज। और अब जो है मैंने ऐड कर दिया था इसमें मसाले में, मसाले पकने के बाद थोड़ा सा दही मैंने ऐड किया था, और फिर मैंने दही डालने के बाद फिर से इसको जो है 10 मिनट पका लिया था। और जो प्लेट पे जो लग गया था मसाला उसको भी मैंने पानी से उतार के इसी में डाल दिया है। और यहाँ पर जो है गुड्डू मैडम बना रही है सैंडविच, क्योंकि सुबह आज मैंने जो है नाश्ते में सैंडविच बना के दिए थे इसको टिफ़िन में, तो वो थोड़ा सा जो है मसाला बच गया था आलू का, तो उसी से जो है गुड्डू एक दो सैंडविच जो है और बना रही है। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें राजमा, और थोड़ा सा पानी और डाला है क्योंकि मुझे जो है कम लग रहा था पतला राजमा, जो है चावल के साथ अगर खाते हैं तो थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा मैंने पानी इसमें और ऐड किया है। तो बस राजमा जो है बनकर तैयार है, और बस मैंने गरम मसाला वगैरह इसमें जो है कुछ भी नहीं डाला है, ना ही मैंने इसमें कोई खटाई डाली है। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है। तो बस ये सिंपल सी मेरी राजमा की रेसिपी है।
तो बस जैसा घर में खाते हैं वैसा ही हमें बनाना पड़ता है। अगर मैं मेरे लिए बनाऊं तो मैं इस तरह से नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल से बनाऊंगी क्योंकि मुझे मतलब उस तरह से पसंद है। पर बाकी घर में जो है वैसे नहीं खाते हैं, इनको चाहिए बिल्कुल मसाला जो है बिल्कुल पिसा हुआ होना चाहिए, मतलब मुँह में बिल्कुल प्याज टमाटर नहीं आने चाहिए। तो अगर मैं बनाऊंगी तो प्याज और टमाटर जो है मैं पीस के नहीं बनाऊंगी, मैं उसको जो है बारीक बारीक चॉप करके बनाऊं अगर अपने लिए बनाना हो तो। है राइस एंड राजमा और मिठाई, योगर्ट एंड राइस। तो अभी हो रही है बारिश और राजमा चावल गरम है ठंडा करके खाना। ये देखो राजमा, तो अभी आ रहा है मुझे खाने में बहुत मजा क्योंकि बारिश और राजमा चावल वाह वाह वाह। एक्चुअली आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि राजमा चावल मेरे फेवरेट हैं। अच्छा बना है राइस एंड राजमा तो अच्छा बना है। अब हम योगर्ट टेस्ट, योगर्ट भी अच्छा, व्यू बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और अभी अभी बारिश खत्म हुई है फिर भी मैं बालकनी में बैठी हूँ। अगर कभी बहुत जोर की बारिश होके जब खत्म हो जाती है ना उसकी थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चलने लगती है तो आप बालकनी में ज़रूर बैठना। हाँ जी, तो यहाँ बुलबुल की जो है अपनी ही व्लॉगिंग चल रही है और मुझे पता नहीं था इसने कब बनाया क्या बनाया है। हमने मेरा फेवरेट कार्टून कौन सा है? डोरेमोन, क्योंकि आजकल है ना डोरेमोन बहुत तो ज़्यादा चल रहा है क्योंकि वो पहले से आता जा रहा है। जब गुड्डू दीदी मेरे से भी छोटी थी ना तब से आ रहा है वो, और अब गुड्डू दीदी हो गई है 14 की, मैं हो गई हूँ 7 की। दोनों में 7 साल का डिफरेंस है। मम्मी मिट्टी ढूंढ रहे हो? आपने पीछे का व्यू देख के गेस कर ही लिया होगा कि हम नीचे आ गए हैं, है ना? मम्मी मिट्टी मिली कि नहीं मिली? मिट्टी मिल जाएगा। चलो मम्मी भीग जाओगे आप? मैं मम्मी भी पी पी जाओगे, फोटो क्लिक करेंगे मोबाइल से। हाँ चल बना के देती हूँ तेरे को घर साइड हो। ठीक है जाओगे? बोल तेरे को कोई बारिश का गाना आता है क्या? चम 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 मैं नाचू आज चम 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 चम। हाँ जी, तो खाना खाने के
जस्ट बाद जो है हम लोग आ गए हैं नीचे, क्योंकि बुलबुल को खेलना है मिट्टी से। बारिश में मैंने उसे नहाने नहीं दिया था, तो अब उसे मिट्टी में तो खेलना ही है। और अभी जो है बारिश भी थोड़ी रुक गई है, बिल्कुल हल्की हल्की एक दो बूंदें गिर रही है, अभी तेज़ बारिश नहीं है। तो बस हम माँ बेटी जो है खेल रहे हैं, और मैंने उसको ये छोटा सा घर बना के दिया है, और अब वो कह रही है उसे भी बनाना है। तो बस यही है उसका, बुलबुल का जो है पूरा दिन मतलब मेरे साथ ही उसका रहना होता है। बाहर वो जाती नहीं है, स्कूल अभी उसके शुरू नहीं हुए हैं, तो बस घर में पूरा दिन जो है वो परेशान हो जाती है। तो बस थोड़ी देर टीवी देखना, थोड़ी देर जो है मेरे साथ खेलना, बस यही उसका पूरा दिन का जो है रूटीन रहता है। तो बस हम दोनों माँ बेटी जो है इंजॉय कर रहे हैं, और मुझे बहुत पसंद है ये मिट्टी में खेलना। बचपन में तो बहुत खेलते थे, ये सारी चीज़ें बहुत करी है हमने। हमारे टाइम में तो जो है मेरे घर के पास जो है टीले हुआ करते थे मिट्टी के, तो हम लोग वहाँ बस बारिश हुई और हम लोग निकल जाते थे, और वहीं जाके जो है घर बनाना, लड्डू बनाना मिट्टी के, ये सारी चीज़ें बहुत की है बचपन में। तो बस बच्चों का अब तो घर से बाहर निकलना तो होता नहीं है, ये तो शुक्र है हमारे घर में जो है कच्ची जगह है, मिट्टी है, तो बच्चे जो है ये खेल भी जो है खेल सकते हैं। तो ये बुलबुल ने केक बनाया था और वो टूट गया है, तो बस यहाँ जो है खेल रहे हैं। पीछे से एड्डी पे भी रहेगी मिट्टी, वो रहेगी पीछे भी रहेगी, देख उतार पीछे से, हाँ उस पैर पे भी उतार पीछे। चल आ जाओ, छाता ले आ तेरा, छाता ना आना। Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making, copy and paste pretty faces all the time, pictures so perfect we play through only cause you set up the रहने गुडू, फिर रहने दे, इतना ही बारिश से तेरे को तकलीफ हो रही है। ले छाता छोड़ दे गुडू, चुन्नी मत ले, बस अच्छा नहीं लगता। सिद्धि का हम रहे दिल की मस्ती में आते हैं, छोड़ दे मुझे मेरा छाता। तो यहाँ जो है गुड्डू भी आ गई है और दोनों बहनें मस्ती कर रही हैं, और ये जो व्लॉग है इसको मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। और ये था प्यारा सा छोटा सा व्लॉग, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।